नमस्कार दोस्तों, आपका पालमिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपके अच्छे कर्म या अच्छे संस्कार आपके कर्मों में वृद्धि करते हैं। कहते ना, आपके हाथ में शुभ लक्षण है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे कर्मों को ही बताते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथों पर तीन मुख्य लाइनें देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है, हमारे मन की गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। और हृदय रेखा हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति के बारे में भी बताती है। जैसे जब भी हम अच्छे कर्मों की बात करते हैं, कहते ना कि आपके जीवन में आपका जो कर्म है अच्छा है, वो अगर आपके हाथ में ये चिन्ह आता है तो ये आपके कर्मों की वृद्धि करता है। आपने देखा होगा जीवन में कई लोग कुछ थोड़ा सा भी काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका कर्म साथ दे जाता है, वो अच्छे लक्ष्यों की तरफ, अच्छे प्रगति की तरफ बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म थे या उनके हाथ में अच्छे लक्षण है या जिसको कहते हैं कि अच्छे साइन है आपके हाथों में, जो कि आपके कर्म के ऊपर निर्धारित है। वो आपके कहीं ना कहीं अच्छा काम था या आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये अच्छे गुण आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये आपकी सफलताओं में, आपकी ऊंचाइयों में, आपकी प्रोग्रेस में हमेशा सहायक होते हैं। सबसे पहले जो अच्छे कर्म की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, अगर ये हमारी हृदय रेखा गुरु के पर्वत तक पहुंचती हो, ऐसे लोग अटूट प्रेम की बात करते हैं, सच्चे प्रेम की बात करते हैं और सच्चे मित्रता निभाने की बात करते हैं। ऐसे लोग सच्चे प्रेमी भी होते हैं। और यहां पर अगर एक क्रॉस का साइन बन जाए, ये गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत, जैसे कि हम कहते हैं कि गुरु का पर्वत ज्ञान देने वाला ग्रह माना जाता है, एक विस्तार का ग्रह माना जाता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी मिलता है, सच्चा प्रेम करने वाला मिलता है और हाथ में ये जो क्रॉस का साइन है, यहां पर सिर्फ शुभ फल देता है, बाकी जगह पे इसका असर इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। कहते हैं ना कि ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है काफी संस्कार करने वाली होती है, काफी अपने पति का ख्याल रखने वाली होती है, अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण होती है। और इसी के साथ जो अगला हम साइन देखते हैं, वो देखते हैं हमारी जीवन रेखा के ऊपर। हम बताते हैं ना कि जीवन रेखा में होने वाली घटनाएं आपके जीवन के बारे में बताती हैं। अगर इसी जीवन रेखा के ऊपर ये त्रिकोण का साइन बनता है, ये त्रिकोण का साइन बनता है, त्रिकोण का साइन बनना शुभ फल की प्रदान, अच्छे धन बढ़ाने की बात होगी यहां पर। ऐसे लोगों को जीवन में एक के बाद एक या तो गाड़ी खरीदेंगे, या तो मकान खरीदेंगे, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या तो अच्छे अच्छे वृद्धि की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये उच्च उनके अच्छे संस्कारों को दर्शाते हैं। और इसी तरह से हम एक साइन देखते हैं, जैसे कि इसी हमारे शुक्र के पर्वत के ऊपर, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, शुक्र के पर्वत के ऊपर एक बड़ा सा वर्गाकार,
कहते ना शुक्र कलाओं के बारे में बताता है, आकर्षण शक्ति के बारे में बताता है और लग्जरियस लाइफ के बारे में बताता है। जीवन के सारे सुख की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो शुक्र का पर्वत है वो हमें दर्शाता है, वो हमें दिखाता है। इसी प्रकार से ऐसे लोग अगर जमीन का कारोबार करते हैं ऐसे लोगों को जमीन से जुड़े कारोबार में काफी बेनिफिट होता है और एक के साथ एक बेनिफिट कमाते हैं जमीन को बेचकर। अगर आपके हाथ में ऐसा है जीवन रेखा के करीब हो ये चिन्ह, तो जो प्रॉपर्टी से है उससे जुड़े कारोबार करते हैं तो काफी बेनिफिट मिलता है। और इसी के साथ जब भी हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, उन्नत की बात करते हैं या अपने मान सम्मान की बात करते हैं तो हमारी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा हमारे निरंतर भविष्य की परिकल्पना है, हमारी सोच और समृद्धि की सूचक है। कहते हैं ना यहां पर एक फिश की साइन बनी हो और कहीं ना कहीं उस फिश की साइन का जो मुंह है वो चंद्रमा की तरफ हो। अगर वो चंद्रमा की तरफ देखती हो जो कि प्रॉपर बनती हो और चंद्रमा की तरफ देखती हो, ऐसे लोगों का मान सम्मान और देश विदेश की बातें, कहते हैं ना अपनी धरती से दूर जल यात्रा की बात बताती है। ये चंद्रमा का कनेक्शन, अगर सूर्य का कनेक्शन चंद्रमा के पर्वत के साथ जुड़ जाए, ये चंद्रमा का पर्वत है। ऐसे लोग दूरगामी विदेश की यात्रा से अच्छा धन अर्जित करते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा पे ये फिश की साइन हमेशा एक स्टार की तरह चमका देती है, लोगों का मान सम्मान बढ़ा देती है। और इसी प्रकार से हाथ में जब भी पैसे की बात करते हैं ना लोग, एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मेरे लाइफ में पैसे की सेविंग होगी? तो हमारी बुद्धि की रेखा से या हमारी ये जो भाग्य की रेखा है, भाग्य रेखा से, एक जीवन रेखा से या भाग्य रेखा से, इस मस्तिष्क रेखा से जुड़कर चले, हमारी इस भाग्य रेखा से और एक मस्तिष्क रेखा से अगर ये संकेत आपका त्रिकोण बनता है, ऐसे लोग अपने जीवन में पैसे का सेविंग करते हैं और एक के बाद एक कारोबार करते हैं जिसको कि तरक्की और सफलता की कुंजी मानी जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।